मार्वल एचक्यू कर दिया पोकेमोन को बंद, साथ ही साथ कर दिया बेबलेट को भी बंद। हंगामा पे आया बेबलेट, साथ ही साथ आया पोकेमोन। कुछ दिनों दिखा के गया कहाँ पोकेमोन। तो यार हेलो गाइस, तो आज आज हम बात करेंगे कि हंगामा पे जो पोकेमोन आ रहा था वो अचानक स्टॉप क्यों हो गया। तो यार बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो अपने कान में हेडफोन लगा लो। लगा भी लिए, बहुत ही होशियार बनते जा रहे हो। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार दोस्तों, हंगामा पे पोकेमोन का सीज़न 11 स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो कुछ एपिसोड दिखा के ही अचानक स्टॉप हो गया और हमें हंगामा पे पोकेमोन देखने को नहीं मिला। और आपको जैसा पता है कि पोकेमोन किस किस टाइम में आता था, वो तीन टाइम आता था। यार तीन टाइम में से डिज्नी ने एक टाइम को उन्होंने हटा दिया था, जो है 9:30 बजे वाला टाइम। और यार साथ ही साथ हटाने के बाद भी वो फिर से उस टाइम को चालू किया था। और यार इतने दिन बाद वो पोकेमोन सीरीज बंद भी हो गया। तो यार इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हंगामा पे सिंचन होता है, यार सिंचन में बहुत सारे TRP उनको मिलते हैं, एंड साथ ही साथ हंगामा चैनल लिस्ट में 5 नंबर पोजिशन में भी मौजूद हैं TRP में। तो यार समझिए बात, ये डिज्नी चेक करना चाहता था कि पोकेमोन अगर हंगामा पे दिखाया जाए तो TRP कितना मिलता है। तो यार इतने एपिसोड के साथ उन्होंने बस चेक किया कि TRP कितना मिलता है। और यार ये मैं पूरा सीरियस बात नहीं कर रहा हूँ, इसका वजह कुछ और भी हो सकता है। अगर मार्वल HQ का सवाल करो तो पूरा उल्टा ही वो जो प्रोमो दिखाते हैं उल्टा होता है। जैसे कि पकड़ लो एग्जांपल बैटल एट रेड नून का। तो यार और जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि मार्वल HQ बंद भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि उससे पोकेमोन एंड बेबलेड हंगामा पे आ चुके हैं। तो यार शायद उनको TRP थोड़ी ज़्यादा मिली है पोकेमोन की, अब शायद वो पोकेमोन के ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ को हंगामा पे स्टार्ट करें। अगर उनको अच्छी TRP मिली हो तो वो स्टार्ट करेंगे। तो यार वजह यही हो सक्ती है कि सीज़न 11 क्यों बंद हुआ हंगामा पे, वो सिर्फ चेक करना चाहते थे कि उनको ज़्यादा TRP मिलती है या नहीं। तो दोस्तों आपके लिए मैंने इस आई कार्ड पे एक पोल रखा है कि आपको क्या लगता है कि वो TRP के लिए ही पोकेमोन सीरीज़ को थोड़ा सा दिखाया था या फिर कोई एनी अदर चीज़ के लिए। तो आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं, आपका क्या मानना है। तो यार अगर वो देख के हंगामा पे सीज़न 11 ही वो लोग स्टार्ट करे तो यार 24 एपिसोड से वो स्टार्ट हो सकता है, ऐसा मानना मेरा है। तो यार वो कौन सा स्टार्ट करते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जानते ही हो मार्वल HQ का भरोसा। यार हंगामा पे जो अगर आता है तो देखते हैं कि क्या होता है इस बार, एंड अगर आया भी तो यार मई के मंडे में 18 तारीख को 7 बजे हमको 30 PM में ही देखने को मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपका मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक छोड़ के ही जाना, एंड न्यू व्यूअर्स को हमेशा जैसा बोलता हूँ सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, कुछ ही बाकी है, बस 6 बाकी है, तो यार 6 सब्सक्राइब कर दो। तो यार Q&A आने वाला है, वो भी आपके लिए, एंड साथ ही साथ मैं एनिमेटिव और न्यूज़ तो देता ही रहूँगा। तो यार बेल नोटिफिकेशन की भी ऑन कर लेना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन आपको फ्री में ही मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने पे ही बेल नोटिफिकेशन जाग जाएगा कि माल खरीद रहा है तो मेरे भी दबा लेना। अगर फ्री का माल क्यों छोड़ेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ही कर देना, क्या हुआ। तो यार ऑन कर देना। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।